अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ICC टेक्निकल, और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंस्टा गीज़र को सर्विस करने का मुकम्मल तरीका। अगर आपका गीज़र चलते चलते अचानक ही बंद हो जाए और सर्विस करने की ज़रूरत पड़े, तो आप उसको घर में खुद ही सर्विस कर सकते हैं, और इसका पूरा मुकम्मल तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग, मेरे पास ये है 10 लीटर का सुपर एशिया का गीज़र। और सबसे पहले हमने इसके ऊपर वाली ये जो वाटर टेम्परेचर जो भी नाबे लगी हुई है उस सबको उतार लेते हैं। हमने इसको बड़े ही एहतियात से उतारा ताकि ये टूटे ना। और इसको उतारने के बाद हमने इसका ऊपर वाला ये जो कवर है इसको मुकम्मल तरीके से उतार लेना है। और इसके जो ये पानी वाले पाइप लगे हैं इसको भी आपने दोनों को ठंडे और गर्म वाले पाइप को भी खोल लेना है। गीज़र हमारा जो है वो मुकम्मल खुल चुका है। और अब हमने ये, आप देख सकते हैं, जो ठंडा पाइप को यहाँ पर लगता है यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, इसको हमने खोलना है। और इसके अंदर एक मैग्नेट यानी एक गोली नुमा से मैग्नेट होता है, उसको आपने बाहर निकालना है। और निकाल कर उसको रेक मार या किसी भी चीज़ पर रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। उसके ऊपर जो भी कार्बन है या जंगाल कुछ भी लगा होगा उसको आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। और साफ़ करने के बाद दोबारा उसको इसके अंदर गोली को डाल देना है। और ये गोली हमने निकाल ली है, अब हम इसको रेगो मार के ऊपर अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करके दोबारा हमने इसको उसके अंदर डाल देना है। और ये मैग्नेट ही जो होता है जो पानी के प्रेशर से ऊपर नीचे होकर इससे हमारा गीज़र ऑन ऑफ होता है। अगर इसके अंदर कार्बन आ जाए तो हमारा गीज़र टक टक करना यानी स्पार्किंग और ऑन ऑफ होना बंद हो जाता है। ज़्यादा मसला इसी का आता है। और दोस्तों, जो हमारा मैग्नेट था वो हमने अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया। और ये जो गीज़र है इसकी ये सेल वाली डब्बी भी ख़राब है, और अब हमने इसको भी चेंज करना है। इसको चेंज करने का तरीका कार यही है कि आपने ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव की तार है जिसको आमतौर पर आप देख सकते हैं कि रेड और ब्लैक है, जहाँ से आपने जमा की जो है वो जमा की तरफ हमारी लगेगी रेड वाली तार, और जो ब्लैक वाली है वो हमारी माइनस की तरफ लगेगी। और ये डब्बी आपने इसको चेंज कर देना है। और दोस्तों, आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है, क्योंकि हमने गीज़र को खोला तो हुआ है, आपने ये इसकी जो गैस और पानी वाली नाबे यानी बटन है इसके ऊपर आपके पास कोई भी ऑयल या मोबिल ऑयल है, कोई भी तेल हो, वो हल्का हल्का सा डाल दे ताकि ये भी हमारी फ्री रहे और जाम ना हो, सही चले।
हमारा जो गीज़र है वह मुकम्मल सर्विस हो चुका है, और अब हम इसके अंदर जो मैग्नेट निकाला था उसको हम वापस पाइप के अंदर डाल देते हैं और अच्छी तरीके से। और इसको डालने के बाद हमने जो इसका नट और स्क्रू खोला था उसको आपने अच्छी तरीके से उसके अंदर एक नट के बाहर वाली साइड पे रबड़ होती है उसको आपने लाजमी चेक कर लेना है, उसको अच्छी तरह से टाइट कर देना ताकि यहाँ से पानी ना लीक हो, क्योंकि यहाँ से पानी लीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर नट थोड़ा सा भी ढीला रह गया। इसको आप अच्छी तरह से टाइट कर दें और इसके बाद हम इसको ऑन करके चला कर देते हैं। हमारे गीज़र की सर्विस जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके, और वीडियो को लाइक भी कर दे। Oh,